गुड मॉर्निंग नर्सरी के बच्चों के इंग्लिश की क्लास में मैं भी आप लोगों के सामने हूँ। आप लोग भी रेडी हो जाइए और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कल हमने पढ़ा था फोर वर्ड्स, आज फिर उसी को देखते हैं फोर वर्ड्स को। ठीक है, थ्री वर्ड्स तो जेट तक कम्प्लीट हो चुका है, अब फोर वर्ड्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फोर वर्ड्स ऐसे ही कल जो मैं एफ तक बताई थी आप लोगों को, आज फिर से वही देखते हैं, आराम से याद करना है, कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो ए फॉर हमने पहले पढ़ा था, ए फॉर एप्पल, ए फॉर आर, ए फॉर एरोप्लेन। अब ये चौथा वर्ड क्या है, एंड, ए फॉर एंड, ए एन डी एंड मींस जीपी। ठीक है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर आर, ए फॉर एरोप्लेन एंड ए फॉर एंड। ठीक है, तो देखिए सामने ध्यान दीजिए, फोर वर्ड्स, कप्पे
कपड़ों के नाम में कैप भी आता है, क्लॉथ नेम जब आपको बताया जाएगा तो उसमें कैप भी आएगा। कैप पेट एनिमल है एंड कप घरेलू सामान है, बर्तन है जिसमें कि हम चाय पीते हैं। कप मींस प्याला, सी यू कप, कप मींस प्याला, चाय का प्याला, कप मींस चाय ही पीते हैं, ठीक है। बी फॉर डॉग, बी ओ जी डॉग मींस कुत्ता। बी फॉर रन, बी जानवर भी है और पालतू जानवर भी है, डॉग कैट एंड डॉग, ठीक है। अब है ड्रम, डी आर ई एम, ड्रम मींस ड्रम, ये बजाने का सामान है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। डी फॉर डॉल, डी ओ एल एल डॉल, डॉल मींस गुड़िया, जिस तरह बॉल है इसी तरह डॉल भी है, बॉल से भी बच्चे खेलते हैं और डॉल से भी खेलते हैं, ये खेलने का सामान है। डी फॉर डक, डी यू सी के डक मींस बत्तख, बत्तख क्या है, चिड़िया है, पक्षी है, पक्षी का नाम बर्ड, बर्ड्स नेम इज डक, ठीक है। आगे भी पढ़े हैं पैरोट एंड ऑल, बिफोर पैरोट एंड ओपर ऑल, बिफोर डक, ये तीनों बर्ड्स नेम हैं जो कि हम सीखे हैं अभी तक, ठीक है। अब है ई, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर इरेजर, ई फॉर आग एंड ई फॉर एग। ई फॉर एलिफेंट, ई एल ई टी एच ए एन टी, एलिफेंट हाथी। ई फॉर इरेजर, ई आर ए एस ई आर, इरेजर मींस रबर। ई फॉर आई, ई वाई ई, आई मींस आंख। ई फॉर एग, ई जी जी, एग मींस अंडा, ठीक है। ई फॉर एलिफेंट, ई एल जानवर है, और जानवर में भी कैसा जानवर है, तो ये जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल, ठीक है। वाइल्ड एनिमल में एलिफेंट का नाम आता है, ठीक है, जंगली जानवर में। बिफोर इरेजर, ई आर ए एस ई आर, इरेजर ये पढ़ने लिखने का सामान है, इरेजर मींस रबर, जो कि बच्चे आप लोग यूज करते हैं, बैग, इरेजर, पेंसिल, ये सब आप लोगों के पढ़ने लिखने का सामान है, तो ठीक है। ई आर ए एस ई आर, इरेजर मींस रबर। For eye, E Y E I means आँख, eye is body, eyes and body part, आँखें क्या है, शरीर के अंग का नाम है, and eye is a body part, and eye is also a body part, ठीक है, ये दोनों body part है, parts of body, हमारे शरीर के अंग का नाम है आर, आई, ठीक है, तो दो body part हमने पढ़ा। अब E for egg, E B Z A means अंडा, अंडा क्या है, अंडा एक खाने का सामान है, इसे लोग खाते हैं, जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो लोग नॉन वेज वाले एक भी खाते हैं, ठीक है। अब है F, F for fish, fish भी खाने बहुत सारे लोग खाते हैं, fish means मछली। F R S N, fish means मछली। F for fork, F O R K, fork means चम्मच या आटा चम्मच, ठीक है। F for flag, F L A G, flag means झंडा। And F for flower, F L O W E R, flower means फूल। चलिए देखते हैं, F for fish, F I S H, fish means मछली। मछली भी जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए इसको पकाकर बनाकर खाते हैं, ये खाने का सामान है। F for fork, और ये वाटर एनिमल है, ठीक है, पानी में रहने वाले जानवरों के नाम जब आपसे पूछा जाएगा तो उसमें मछली भी आएगी, ठीक है। F for fork, F O R K, fork means चम्मच, कांटा वाला चम्मच, इसे नूडल वगैरह खाते हैं। F for flag, F L A G, flag means
चलिए देखते हैं एक बार फिर से फॉरवर्ड्स। एक बार कल की क्लास में हमने देखा था और आज इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, आज फिर रिपीट किया है हमने ताकि आप लोग को याद हो सके। तो थ्री वर्ड्स हमारा कंप्लीट हो चुका था। चौथे वर्ड में हमने क्या क्या सीखा? ए से चौथा वर्ड हमने एंड सीखा, ए इंडिया एंड एंडिस जीटी। बी से हमने क्या सीखा? बी इज द एंडिस हैडर चौथा वर्ड था। सी फॉर कप नया वर्ड चौथा कप सी यू ई कप इज पहला। डी फॉर हमने नया वर्ड क्या सीखा? डी यू सी के दैट इज बच्चा। ई फॉर हमने नया वर्ड चौथा क्या सीखा? ए इज इजी एग इज अंडा। एंड एफ फॉर क्या सीखा? नया वर्ड फ्लावर एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर इज गुड। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिनका थ्री वर्ड कंप्लीट हो चुका था उनको सिर्फ एक ही वर्ड याद करना होगा। इसलिए मैं बोल रही थी पहले हमने ए से लेकर जेड तक वन वर्ड कंप्लीट कराया ताकि आप लोग पहले एक एक वर्ड सीख सके। फिर दूसरा वर्ड सीखना मैं सिखाई थी आप लोगों को दो वर्ड, ठीक है, टू वर्ड्स। तो दूसरे वर्ड में एक कंप्लीट हो ही चुका था आप लोगों का, सिर्फ एक और सीखना था तो वो मिलाकर दो हो गए। जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं कंटिन्यूसली अपना काम करते हैं उनको कोई भी काम हार्ड नहीं लगता है क्योंकि वो अपना काम रोज का रोज करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं। आप अगर काम लगातार नहीं करोगे, अपना पढ़ाई रोज नहीं करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ना पड़ेगा तो आपको वो बहुत ही हार्ड लगेगा। इसलिए रोज़ की पढ़ाई रोज कीजिए। तो ये फिर हमने एक और टू वर्ड्स कंप्लीट किया, फिर इस तरह से थ्री वर्ड्स जब तीसरा टू वर्ड हमने सीखना शुरू किया तो दो वर्ड कंप्लीट था तो फिर तीसरे वर्ड को हम याद कर लिए और टोटल किया गया हमारा तीसरा वर्ड कंप्लीट हो चुका था। अब हम चौथे वर्ड में आ गए हैं, चौथे वर्ड्स को हम सीख रहे हैं। तो थ्री वर्ड्स हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो चौथा वर्ड बहुत